ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर मिर्जापुर से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बरकछा कला में इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रमेश चंद बिंद के समर्थन में विशाल चुनावी जनसभा की। अखिलेश यादव ने आयोजित जनसभा में कहा कि भाजपा सरकार के खिलाफ जनता की नाराजगी सड़कों पर दिख रही है। भाजपा ने 10 सालों में सभी के साथ धोखा किया है, किसी को भी नहीं छोड़ा है, हर वर्ग के साथ भेदभाव किया है। भाजपा संविधान बदलना चाहती है, यही संविधान न्याय, अधिकार, सम्मान, नौकरी दिलाता है, भेदभाव खत्म करता है। बाबा साहब का संविधान हम सब के लिए संजीवनी है, ये संविधान आगे बढ़ने का अवसर देता है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की नीयत ठीक नहीं है। इस लड़ाई में एक तरफ संविधान बचाने के लिए हम इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ संविधान बदलने की बात करने वाले भाजपा के लोग हैं। इस लोकसभा चुनाव में जनता संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी हो गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हर वर्ग के साथ विश्वासघात किया है। भाजपा सरकार ने किसान, नौजवान, सभी को ठगने का काम किया है। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया, आय दोगुनी नहीं हुई, लेकिन खेती का लागत मूल्य बढ़ा दिया, खेती संबंधित जरूरत का हर सामान महंगा कर दिया, कीटनाशक दवा, डीजल, पेट्रोल, खाद सब महंगा कर दिया। गन्ने का किसान पूरी लागत लगा रहा है, लेकिन कीमत नहीं मिली, अन्य फसलों की भी कीमत नहीं मिली। उत्तर प्रदेश में गन्ने की कीमत दूसरे प्रदेशों से कम है। इंडिया गठबंधन सरकार किसानों के कर्ज माफ करेगी, साथ ही फसलों की सही कीमत दिलाएगी, जिससे किसानों के घर खुशहाली आए। अखिलेश ने मिर्जापुर से इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रमेश चंद बिंद को भारी मतों से जिताने की अपील की। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी व संचालन जिला महासचिव आदर्श यादव ने किया। अब ये कहते हैं मुसलमानों को आरक्षण, सच्चाई ये है, सच्चाई ये है कि आदिवासी पिछड़े दलित आदिवासियों का आरक्षण इन्होंने छीना है। ये अपना जो छीना हुआ आरक्षण है उसके लिए जवाब नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए बात को दूसरी तरफ घुमा रहे हैं। प्रधानमंत्री की बात आपने नहीं बताई कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा अगर आपकी सरकार। देखिए, प्रधानमंत्री के चेहरे से जरूरी है कि दिल और दिमाग अच्छा हो, दिल बड़ा हो, जो आदिवासियों का दुख दर्द समझे, हमारे प्रेस के लोगों का दुख दर्द समझे, किसान का दुख दर्द समझे, और कम से कम टेक्नोलॉजी जाने जिससे विकास हो सके। 13 में से कितनी सीटें निकलेंगी सातवें चरण में? पहले मैं कहता था कि एक के अलावा सब जीत रहा हूँ, मुझे तो लगता है कि 13 की 13 इस बार जीतने जा रहे हैं, और कम से कम रमेश बिंद जी ऐतिहासिक वोटों से इस बार जीतने जा रहे हैं। मैं आपसे भी कहूंगा कि आप लोग भी सहयोग करो, क्योंकि 4 जून को खुशियों के दिन आएंगे, लेकिन आप कुछ भी नहीं कहा। नहीं नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ, मैं देखिए मीडिया के लिए कहा, रुक जाइए, मीडिया के लिए इतना है कि बीजेपी वालों की मित्र मंडली बदलेगी, मंत्रिमंडल बदलेगा और मीडिया मंडल भी बदलेगा। प्रेस के लोगों के लिए आजादी का दिन होगा, खुशियों का दिन होगा, और प्रेस की आजादी का दिन होगा 4 जून। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।